Hello guys, welcome back to my channel. First of all, thank you so much for your love and support that you gave me in my first video. तो आइए आज मैं आपको कहीं घुमा के लाती हूँ इस चिली वेदर मॉर्निंग को और भी ज्यादा एक्साइटिंग और इंजॉयबल बनाने के लिए. सो कम लेट्स गो 1 2 3 कम. सो दिस इज माई लिविंग रूम, माई फेवरेट प्लेस, जहाँ मैं अपना मोस्ट ऑफ टाइम स्पेंड करती हूँ जब मैं घर पे होती हूँ. एंड एक सीक्रेट बताऊं, ये वो जगह है जहां मुझे सबसे ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आते हैं. सो वेलकम टू माय लिविंग रूम गाइस. रिसेंटली मैंने अभी ये सोफा किया है अपनी लोकल मार्केट से, जो मुझे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल एंड रिलैक्सिंग लगा. मैं कब से 7 to 8 सीटर सोफा ढूंढ रही थी, बिकॉज आप जानते हैं बिग फैट पंजाबी फैमिली में रिश्तेदारों और दोस्तों का आना जाना तो लगा ही रहता है. आई वेंट फॉर लोकल शॉपिंग परचेज क्योंकि मुझे हैंड ऑन फील करना था एंड अपने अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा कस्टमाइज करना. मुझे काउच डिज़ाइन पसंद है इसलिए मैंने इसको काउच शेप में डिज़ाइन करवाया है. यहाँ मैं अपनी फेवरेट हॉरर मूवी देख सकती हूँ, मोबाइल पे रिसर्च कर सकती हूँ. एंड आप लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं, यहाँ ग्लास कीपिंग एरिया है जहाँ मैं ग्लास जूस रखती हूँ और इसको पीते हुए मूवी भी देखती हूँ और डे भी इंजॉय करती हूँ. एंड आप देख सकते हैं ये 2 कलर कॉम्बिनेशन में है जो लाइट वॉल के साथ एक अच्छा लग्जूरियस लुक दे रहा है. प्लस ये स्वेट फैब्रिक है जो ना वेलवेट है ना रिक्सीन, इट इज़ अ टाइप ऑफ लेदर. और अगर मैं इसके प्राइस की बात करती हूँ तो ये मुझे 55,000 का मिला, जो अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको 7 to 8 सीटर सोफा इसी रेंज में मिलेगा. तो सोफा भी ले लिया एंड सेटअप भी हो गया, बट स्टिल मुझे लिविंग रूम थोड़ा खाली खाली लग रहा है. तो लास्ट संडे आई प्लान अ विजिट टू बंजारा मार्केट, जहाँ से मैंने कुछ और सामान खरीदा है अपने लिविंग रूम को एक वाइब्रेंट लुक देने के लिए. गाइस वैसे तो मैं ये ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती थी, बट एज यू नो मुझे घूमने का शौक तो है ही, सो बंजारा मार्केट वॉज अ परफेक्ट चॉइस फॉर मी. एंड अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा. तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या सामान खरीदा है. तो फ्रेंड्स, जो मैंने सबसे पहले परचेज किया वो है ये कारपेट, जो मुझे काफ़ी पसंद आया. कारपेट्स तो बहुत मिल जाएंगे आपको बंजारा मार्केट में, बट इसकी बात ही कुछ अलग है. ये क्वालिटी में काफ़ी थिक एंड हैवी है, बट अगर आप इसकी लुक एंड फील की बात करते हैं तो ये बहुत सॉफ्ट है विद फेदर टच. एंड इसका कलर मेरे सोफे के साथ एकदम कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. इसका प्राइस अराउंड 5,000 था, बट मैंने 2,000 में फाइनली परचेज कर लिया. देखिए तुसी मेरी बार्गेनिंग स्किल द पावर. अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपको ये 3,000 to 4,000 की रेंज में मिल जाएगा विद डिफरेंट कलर्स एंड वराइटीज. तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप ऑनलाइन खरीदेंगे जिससे घर बैठे ही आपको ये कारपेट मिल जाए, या फिर आप इस ठंडे से वेदर को एंजॉय करते हुए बंजारा मार्केट जाएंगे इसको परचेज करने. सो गाइस नेक्स्ट जो मैंने खरीदा है वो है ये ट्रेंडिंग और स्टाइलिश 4 स्टूल्स. ये मैंने 2 व्हाइट और 2 ब्राउन कलर में लिए हैं. अगर आप इसको देखते हैं तो ये सॉलिड फ्रेम के बने हुए हैं और इसके पैर सॉलिड वुड के हैं. इसके ऊपर बहुत ही सॉफ्ट कुशन फॉर्म है. इसको आप आसानी से बंजारा मार्केट से खरीद सकते हैं. नेक्स्ट इसके कलर्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, जो मेरे लिविंग रूम के सोफे कारपेट हर चीज़ के साथ मैच कर रहे हैं. नेक्स्ट अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो इट वॉज कोटेड अराउंड 5,000, बट मेरी बार्गेनिंग स्किल्स को तो आप जानते ही हैं, तो फाइनली मैंने इसे 2,000 में 4 सेट्स ले लिए. एंड गाइस नेक्स्ट आइटम प्लान नहीं था बट मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा, वो है ये येलो कलर का नाइट लैम्प. इस नाइट लैम्प का स्टैंड वुडन है और बीच में आप देख सकते हैं ये मेटल लगा हुआ है. इसकी हाइट आप 3 से 4 इंच तक एडजस्ट कर सकते हैं. इसकी वायर 2 मीटर के करीब है तो आप इसको आसानी से कहीं भी प्लेस कर सकते हैं. इसका प्राइस अराउंड 1200 था, बट फाइनली आई गॉट इट एट 600 रुपीज. सो गाइज कैसा लगा मेरा क्यूट सा स्वीट सा छोटू सा नाइट लैम्प? सो गाइज फाइनली मैंने अपने लिविंग रूम के लिए जो सामान लिया है वो है अट्रैक्टिव एंड ब्यूटिफुल वॉल पेंटिंग्स. आइए मैं आपको दिखाती हूँ ये वॉल पेंटिंग्स जो मैंने ऑनलाइन परचेज किया है. ये ऑनलाइन पड़ी मुझे अराउंड 500 फॉर 2 सेट्स,
बट अगर आप ऑनलाइन चेक करते हैं तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, डिफरेंट वैरायटीज एंड डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये दो सेट्स मैंने ऑनलाइन परचेज किए हैं दोस्तों। अगर आप इसकी क्वालिटी की बात करें तो इस पर जो प्रिंटिंग हो रखी है वो है यूवी प्रिंटिंग एंड इसके बैक साइड पे ये टू वे टेप लगी हुई है एंड ये MDF वुड पर बना हुआ है। तो आइए दोस्तों मैं आपको अपनी घर की वॉल पे लगा के दिखाती हूँ इसको। फाइनली ये वॉल पे मैंने लगा दिया है। अगर आपको ये डिजाइन अच्छा लग रहा है तो इसका लिंक मैं आपको शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके इसको परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, फाइनली माय लिविंग रूम लुक इज कंप्लीट। नाउ इट्स योर टर्न टू टेल मी आपको ये लुक कैसा लगा एंड इन द कमेंट सेक्शन बिलो यू कैन शेयर योर व्यूज एंड इफ इन केस यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डू कमेंट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। प्लस सब्सक्राइब द चैनल टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द लेटेस्ट वीडियोस एंड अपकमिंग टॉपिक्स दैट वी आर अबाउट टू शेयर विद यू। Thank you. Till then, ta-ta, bye-bye.